काले क्रास मनमोहन बावा। उसनू मैं पहली बार जर्मनी दे शहर फ्रैंकफर्ट विच मिलिया सी। फ्रैंकफर्ट तो म्यूनिक असी इकट्ठे आए सां। कारां च लिफ्ट लैंदे अते रस्ते विच यूथ होस्टलां जां सस्ते होटलां विच ठहरदे। जनवरी दा महीना, कदी कदी बर्फ पैण लगदी। लिफ्ट वास्ते किसे कार दी उड़ीक विच सड़क दे इक पासे खड़िया जद आइन नू बहुत ठंड लगदी तां ओह मेरे नाल जुड़ के खड़ी हो जांदी ते मैं उस दे लक दुआले बांह पा के उसनू अपने होर नेड़े कर लैंदा। हुण म्यूनिक विच असी एक यूथ होस्टल च ठहरे हुए सां। दो मार्क ठहरन दे ते दो कु मार्क सवेर दे नाश्ते अते रात दे खाने दे। नाश्ता करके असी दोवें होस्टल तो बाहर निकल आए। मैं इंडिया हाउस जाना है, तू चलेंगी मेरे नाल? मैं पुछया। जो पैसे घरों लैके आया सां वह खत्म होने वाले ने, कोई काम मिल जावे तां चंगा होवे, मैं मन ही मन सोचता हाँ। तुसी जाओ, मैं किते होर जाना है, उस आख्या। शामी होस्टल च ही मिलांगे। पर मैं उसनू इकल्या छड़ना नहीं सी चाहुंदा ते ना ही इकल्या जाना चाहुंदा सी। जद दे असी म्यूनिक पहुंचे सां वह उदास अते उखड़ी उखड़ी नज़र आ रही सी। मैनू उस दे साथ दा बहुत सहारा सी। मैनू जर्मन भाषा बिल्कुल नहीं सी आउंदी ते वह जर्मन भाषा दे इलावा अंग्रेजी, स्पैनिश अते कई होर बोलियां बोल सकती सी। उंज वी परदेस विच इस तरह दा साथ बहुत सुखावा लगता है। चल फिर, पहला मैं तेरे नाल चलदा हाँ, तेरा काम खत्म होने तो बाद इंडिया हाउस जावांगे। मैनू बहुत देर भी लग सकती है, मेरा ख्याल है कि मैनू इकल्या ही जाना चाहिदा है, वह कहती है। किसे नू मिलना है? वह चुप रही। जे किसे ऐसी थां जाना है जिथे मेरा जाना ठीक नहीं समझती तो मैं। सत अठ दिन इकल्या रहिंदियां अते सफर करदियां काफ़ी नेड़ता हो गई सी, पर इन्नी भी नहीं कि उस उत्ते मैं अपना कोई अधिकार समझ सकता। उसने उदास नजरां नाल मेरे वल तकिया ते बोली, चलो। बार हल्की हल्की बर्फ पैण लग पई सी। बर्फ के फंबे उसके सुनहरी वालां अते कोट के मोढ़ियां ते पै रहे सन। असी एक ट्रैम च बैठ गए अते कुछ देर बाद एक चुरस्ते कोल आके उतर गए। सामने एक घंटा घर सी, आले दुआले पुरानियां तीन चार मंजिला इमारतां। मैं घंटा घर की कड़ी वेखते हुए आख्या, लगता है दूजे विश्व युद्ध विच म्यूनिक उत्ते कोई बंबारी नहीं हुई। फ्रैंकफर्ट विच तां सारियां इमारतां नवियां उसरियां वेखियां सन। हाँ, बच गईयां इमारतां। बड़े खुशकिस्मत होणगे इत्थों दे रहण वाले, वरना शहरां दे शहर तबाह हो गए। सारे ही खुशकिस्मत नहीं सन, उसने एक ठंडा सा भरदे हुए आख्या। गलियां बाजारां दे मोड़ मुड़दे ते सड़कां दे ना पड़दे असी एक पुराने जिहे काफ़ी हाउस के सामने आ खड़े हुए। आइन ने काफ़ी हाउस के मैनेजर तो जर्मन भाषा च कुछ पुछया। मैनेजर ने एक वारी प्रश्न भरिया नज़रां नाल उस वल तकिया ते फिर हमदर्दी परे लहजे विच कुछ कहिंदियां एक गली वल इशारा कर दिता। गली की सड़क पत्थरां की बनी हुई ते बिल्कुल खाली सी। उसके सैंडलां की आवाज़ एक तेज़ चलण वाली घड़ी वांग टक 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 करदी खामोशी नूं तोड़दी जा रही सी। मैं कुछ बोलना चाहुंदा सां पर उस नूं इन्ना गंभीर अते ध्यान मगन वेख के चुप ही रहा। कदी कदी वह पाटियां पाटियां नज़रां नाल आले दुआले दे मकानां दियां कंधां वेखण लगदी। इन्हां मकानां दियां कंधां भी पत्थर दियां बणियां हुईयां सन। किसे किसे मकान की कंध ते काले रंग दे क्रास लगे हुए सन। इन्हां बारे मैं किसे कोलों कुछ सुनिया जरूर सी पर कुछ याद नहीं सी आ रहा। वह अचानक एक मकान सामने रुकी ते कुछ पल उस उत्ते लीक के काले क्रास वल वेखती रही ते फिर तुर पई। ए कादे क्रास ने? मैं हौली देनी पुछया। वह चुप रही। इत्थे कोई रहिंदा है तेरा? शायद इत्थे मेरी एक सहेली रहिंदी सी बचपन दी, मैनूं चंगी तरह याद नहीं। ए क्रासां वाले घर यहूदियां दे सन। मैनूं याद आया दूजे महायुद्ध वेले अते उस तों कुछ पहलां जर्मन नाजियां ने एक रास यहूदियां दे घरां ते लाए सन अते हुण शायद उस युद्ध दी याद विच उसे तरह छड दित्ते गए सन जिवें फ्रैंकफर्ट विच बमबारी नाल टै टेरी हुईयां कुछ इमारतां। गलियां पार करन तो बाद असी एक पत्थर दी बनी चार दीवारी कोल आ रुके। एक पुराने जहे दरवाजे ते लिखिया सी, यहूदियां दा कब्रस्तान। मैं अंदर जावांगी, थोड़ी ही देर च वापस आ जावांगी, तुसी चाहो ता बार ही मेरा इंतजार कर सकते हो। मैं उसके उदास चेहरे तो कुछ पढ़न का यतन करन लगा।
चारे पासी बिल्कुल खामोशी सी, कोई पंछी भी नजर नहीं सी आ रहा। वो अंदर चली गई, मैं बाहर खड़ा इधर उधर तकन लगा। बर्फ पैनी बंद हो गई पर ठंड वधदी गई सी। जे नेड़े कोई काफी हाउस हुंदा तां उत्थे बैठ के उसकी उड़ीक कर लैंदा। अपनियां बाहवां नूं अपनी छाती दुआले लपेट के मैं इधर उधर चक्कर लाउण लगा। जद उह किन्नी देर तक बाहर ना आई तां मैनूं कुछ उत्सुकता हो गई। मैं कब्रिस्तान दा दरवाजा लंघ के आले दुआले वेखण लगा। कबरां की सन? बस मिट्टी दे ढेर सन। किते किते कुछ कबरां पत्थरां दीआं वी बणीआं होईआं सन। मैं वेख्या उह इक टुट्टी जिही कबर कोल सिर नीवां करी खड़ी सी। उसका सारा शरीर कंब रहा सी ते सिसकियां नाल उसकी पिठ हिलदी नजर आ रही सी। फिर वह गोड्यां परने बैठ के अपने गोड्यां ते सिर रख के रोन लग पई। मैं हौली हौली पैर चुकदा उसके कोल आ खड़ा होया ते फिर बैठ के उसकी पिठ ते हाथ फेरदियां उसनू दिलासा देन लगा। वह मेरे नाल चंबड़ के बच्चियां वांग रोन लग पई। चल चलीए। कुछ देर बाद मैं उसनू सहारा दे के खड़ा करदियां आख्या। वो खड़ी हो गई पर उसके पैर हाले भी कंब रहे सन। मैं उसनू एक पत्थर दे बेंच ते बिठा दिता ते अपना ओवरकोट उतार के उस दियां लत्तां नू टक दिता। वो मेरे मोढ़े ते सिर रख के कुछ देर अथरू वहाँदी रही। फिर उसने अपने आप नू संभालिया, अथरू पूंजे ते बोली, चलो। असीं बार वाल तुर पए। उसने मेरा हाथ घुट के फड़िया होया सी। इस तरह के समय किवें किसे नू मानसिक सहारे की लोड़ हुंदी है। चंगा होया जो मैं इस दे नाल आ गया सा। मैं थक गई हाँ, प्यास भी लगी है, किते बैठना चाहती हाँ। गलियां पार करके असी एक छोटे जिहे बाजार विच आ गए। एक बीयर बार विच जाके मैं बीयर का आर्डर दे दिता। वेटर ने दो मग चुके ते एक वड्डे सारे लकड़ी के ड्रम थले रख के टूटी खोल दिती। जद मग बीयर अते झग नाल भर गए तां वेटर साडे सामने आ के चला गया। आइन ने झट अद्धा मग खाली कर दिता ते फिर अपने बुल्लां ते मुस्कान लियाउण दा यतन करदे होए आख्या, दांके दांके शो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किस गल दा? मेरी गल दा उसने कोई जवाब नहीं दिता। जवाब दी कोई लोड़ भी नहीं सी। उसने विचारियां जिहियां नजरां नाल एक वारी मेरे वल तकिया ते फिर हौली हौली बीयर पीण लगी। ओ किस्ती, जे तू ना दसना चाहे तां बेशक ना दस, मैं क्या। उसके बुल्लां ते एक उदासी परी मुस्कान आई ते ओ बोली, मैं सोचा सी कि मैनू कुछ महसूस नहीं होवेगा। मैनू कुछ खास याद भी नहीं सी अपनी मां बारे। मैं चार पांच वरियां दी सां जदों नाजी उसनू फड़ के लै गए सन। पर उसकी कबर ते इन्हां गलियां मकानां नू वेख के जिवें सब कुछ याद आ गया। वह मैनू अपनी मां की आत्मकथा सुनाउण लगी। उसकी मां यहूदी सी ते बाप जर्मन। जदों नाजिया ने यहूदियां नू फड़ना शुरू किया तां ओ भी समझ गई सी कि उस दे दिन भी गिणवे ही रह गए ने। कदी भी बूहे ते ठक ठक होवेगी अते गिस्टापू जर्मन खुफिया पुलिस उस नू फड़ के लै जाणगे। ओ आइन नू अपने पति दी भैण कोल छड्ड आई। पर हिटलर यहूदियां दे पिछे ही हथ धो के क्यों पै गया सी? मैं पुछया। कई कारण सन इसते, कुछ समाजक ते कुछ राजनीतिक ते कुछ जर्मन लोकां दी यहूदियां प्रति ईरखा दी भावना जिस दा हिटलर ने भरपूर लाभ उठाया। शायद यहूदी हर शहर विच आम करके अपने गुआंढी जर्मन दे मुकाबले ज़्यादा खुशहाल सन ते यही खुशहाली उन्हां दी वैरन बन गई। तू अपने आप नूं यहूदी मनदी है या जर्मन? मैं ते कुछ भी नहीं समझती, बस एक इंसान दे तौर ते जीना चाहती हाँ। पर फिर भी कुछ संस्कार हुंदे ने जिस तों आदमी कदी मुक्ति नहीं पा सकता। ते फिर रुक के बोली, मैनू लगता है कि असी हाले भी कबीलियां विच वंडे हुए हाँ, छोटे छोटे वड्डे वड्डे कबीलियां विच, ते हजारां सालां बाद भी हाले तक जिवें कुछ नहीं बदलिया। ते तेरे पिता? ओ उस वेले म्यूनिक तो बहुत दूर बर्लिन विच सन। जां ते उन्हां खुदकुशी कर ली जां लड़ाई दे दौरान मारे गए, कुछ पता नहीं ठीक तरह। उस दिन होर किते जाण दा मूड नहीं सी रहा, पर इंडिया हाउस रस्ते विच ही पैंदा सी। बीयर बार तो निकल के थोड़ी देर बाद इंडिया हाउस आ रुके। उत्थे एक बंगाली बाबू बैठा होया सी, बड़ा हसमुख अते निग्गे सुभा वाला। किन्ने दिन होए ने जर्मन आया? उस पुछया। 10 कु दिन होए हन। ते इसनू कित्थों फड़ लिया? वह हसदिया होया पुछया।
ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਵੀ। ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਨ ਵੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਨਹਿਰੇ ਵਾਲ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ, ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਪੜੀ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ? ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਸਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਰਮਨ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਏ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਇਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਆਇਨ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਾਂਸ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਰਨਬਰਗ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੁਰਜ਼ਬਰਗ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਰਫ਼ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੁਕੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਰਮਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸਾਂ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਇਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਫਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਬਰਲਿਨ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਰਲਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਨ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨ ਉਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਪਰੇ ਉਪਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਨਿੱਘ, ਉਹ ਆਪਣਾਪਨ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਇਨ ਦਾ ਖੱਤ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਲਿਫਟ ਮਿਲੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਈਸਟ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਖੱਤ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਖੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਅੰਗ ਭਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। 1984 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਲਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘਰ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।